मैं शेयर नहीं करूँगी क्योंकि बड़ा पैड़ा इंसिडेंट था। बस यहाँ पे पानी मुझे कहीं पे भी जो है ना वो दिखा ही नहीं। अच्छा लगता था लोगों को लेकिन अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा किसी को। यहाँ पे बिल्कुल भी हरियाली जो है वो नहीं है। हम मज़े इंजॉय कर रही हैं यार। जनाब वैसे तो मेरा इरादा नहीं था व्लॉगिंग वगैरह कुछ भी करने का, लेकिन फिर भी आप लोगों को कहती हूँ जनाब वेलकम बैक इन माय व्लॉग। और इस वक्त मैं कहाँ पे हूँ गेस करें जनाब, मैं इस वक्त मुल्तान में ही हूँ, लेकिन इस वक्त मैं एक पार्क में आई हुई हूँ, कुछ काम करने के सिलसिले में आई हुई थी, लेकिन सोचा आप लोगों के भी साथ साथ में अपना जो है ना विज़िट करा दूँ। और इस वक्त मैं हूँ जनाब पार्क में। ये मुल्तान का जनाब पार्क है, ये लाहौर का जनाब पार्क नहीं है। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे काफ़ी बड़ा पार्क है और कुछ ओपनिंग सीन्स हैं वो मैं आपको दूसरे वाले कैमरे से निकाल के आपको दिखा दूंगी, क्योंकि इस वक्त मैं शूटिंग के लिए आई हूँ, रिकॉर्डिंग वगैरह जो है ना उसका सिलसिला चल रहा है। अब इस वक्त मैं जनाब पार्क के उस एरिया में हूँ जहाँ पे आई थिंक कभी बच्चे जो हैं वो खेला करते होंगे, बड़ा इंजॉय किया करते होंगे। यहाँ पे बच्चों के काफ़ी सारे खेलने की चीज़ें हैं, जैसे कि ये है, ये बचपन में मैंने बड़ा लिया और इसके साथ बड़ा एक इंसिडेंट भी हुआ था मेरे साथ में, लेकिन मैं शेयर नहीं करूँगी क्योंकि बड़ा पैड़ा इंसिडेंट था, बहुत चोट आ गई थी मुझे। खैर कोई बात नहीं। ये वाली जगह है जहाँ पे बच्चे खेला करते थे, लेकिन इस वक्त आप लोग देख रहे होंगे कि ज़मीन जो है वो फटी पड़ी है, सारी की सारी उखड़ी हुई है, जगह जगह पे जो है वो मिट्टी पड़ी हुई है पता नहीं क्यों। और मैं आपको एक बोर्ड दिखाती हूँ जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये वाटर पार्क है जनाब का, जनाब बाग का, लेकिन जनाब पार्क का ये वाटर पार्क कहाँ पर है मुझे वहाँ पानी तो कहीं पर भी नहीं दिखा कसम से, पीने के लिए भी नहीं है। इवन यहाँ पर एक ये कुछ चल रहा है यहाँ पर टूटा फूटा पड़ा हुआ है, इसमें यहाँ पे पानी है, अदरवाइज़ यहाँ पे पानी मुझे कहीं पे भी जो है ना वो दिखा ही नहीं है। सो यहाँ पे मैं चलते चलते आपको अपने पीछे से दिखाती हूँ, एक बोर्ड है ये देखो, इसके ऊपर लिखा हुआ है वाटर पार्क। सो ये वाटर पार्क है और यहाँ पे पानी का नामो निशान जो है वो है ही नहीं। सो आई एम इन्जॉइंग हियर, आप लोग भी इन्जॉय करो। सो आई एम इन अ हट, ये यहाँ पर एक बड़ी ही प्यारी सी हट है, मैं चलते चलते आप लोगों को बाहर से भी दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत हट है ये, बहुत मज़े की बनी हुई है। आप फैमिली के साथ अगर आते हैं तो इस हट के नीचे लाजमी बैठें और इन्जॉय करें, स्पेशली जब इतनी तेज़ धूप हो रही हो। तो सुना ये है हट, आप लोग यकीन इस चीज़ को इन्जॉय करेंगे। और ये पीछे मेरे कुछ पूल एरिया है जहाँ पे कभी किसी ज़माने में अगर पानी हुआ होता, जैसे कि खातून अभी मुझे मिली, उन्होंने अपने व्यूज़ दिए जिसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर पानी पिछले 6 महीने से जो है वो बंद रखा हुआ है। ये जो पूल है, ये पूल बिल्कुल बंद है, पीछे इतनी ज़बरदस्त किस्म की इतनी प्यारी सी स्लाइड्स हैं, और यहाँ पे ये बच्चों का एरिया है, बच्चे यहाँ पे स्लाइड्स वगैरह ले सकते हैं और उनके लिए भी छोटा सा पूल बना हुआ है, जिस उन्हीं के ही बच्चों के हिसाब से, तो ये बड़ों के हिसाब से बड़ा वाला पूल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं है। अगर पानी हो और यहाँ पर हर चीज़ हो, जैसे कि मैंने पिक्चर्स में देखा, पिक्चर्स देख करके मैं यहाँ पर आई थी कि चलो व्यूज़ लेते हैं यहाँ पर लोगों के, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ का कबाड़ा हुआ है, हर चीज़ जैसे बंद पड़ी हुई है, पता नहीं क्यों सुनसान पड़ी हुई है। चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो ओपन हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये इस पार्क की एंट्रेंस है, यहाँ से आप अंदर जाकर बहुत सारे जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो आप कर सकते हो। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो, ये साइड पे एक भूत बंगला है, भूत बंगला भी ऐसा जो कि भूत बंगला ही बना हुआ है, सच्ची मिची में उसका भूत बंगला जो है ना वो बन चुका है यहाँ पर, क्योंकि कुछ भी नहीं है। अगर हो तो जैसे कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जाता रहा है, अच्छा लगता था लोगों को, लेकिन अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा किसी को, सिर्फ पार्क ही है, पार्क का पार्क ही रह गया। पार्क को अच्छे से रखा हुआ है इन्होंने, लेकिन जो यहाँ के स्पोर्ट्स हैं जो बच्चे जिसको एंजॉय कर सकते हैं वो सब चीज़ें। सो मैं एंट्री का जो शॉट है वो लेना भूल गई थी, इस वक्त मैं जनाब पार्क में जो हूँ वो थी, और यहाँ पे मैं अब जाते जाते ये वाला शॉट जो है मैं ले रही हूँ, शायद मैं स्टार्टिंग में डाल दूँ। सो जनाब पार्क का जो है वो मैं विज़िट करने आई हुई थी, यहाँ पर मैंने शूट करना था, रिकॉर्डिंग करनी थी, वो रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है। बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं मैं ले पाई, लेकिन जितने भी लिया है वो लिया है मैंने, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे पार्क जो है वो जाना है और जल्दी से जल्दी जो है ना वो मैंने अपने ऑफिस पहुँचना है। सो ये है जनाब पार्क। अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह शम्स के पार्क में, शाह शम्स पार्क में एक्चुअली। सो शाह शम्स का एक दरबार भी है यहाँ पर, जो मैंने पहले आप लोगों को विज़िट करवाया था, और ये उन्हीं के नाम से मंसूबे एक पार्क जो है वो है। सो अभी देखते हैं अंदर चल करके इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो मौजूद हैं।
जनाब ये आप लोग मेरे पीछे एक झील देख रहे हैं, बिल्कुल खुश सी ये शाशम्स पार्क की जो झील है इस पर बिल्कुल खुश्क हो चुकी हुई है और यहाँ पे बिल्कुल भी हरियाली जो है वो नहीं है। अगर पार्क में पानी वाली होता, झील वगैरह होती तो बच्चों के लिए बड़ा अच्छा होता, बच्चे आकर यहाँ पर बहुत इंजॉय करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या कर सकते हैं। तो जनाब इस वक्त मैं ज़ू के सामने खड़ी हुई थी, लेकिन ज़ू में देखने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि हर चीज़ तो यहाँ पे बंद पड़ी हुई है। पता नहीं क्यों बंद पड़ी हुई है, आई डोंट नो। PHA व्हाट आर यू डूइंग PHA। और इतने अच्छे अच्छे पार्क्स हैं, लेकिन यहाँ पर देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए, इन्जॉय करने के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ लोग आए, खाना पीना खाएँ और अपने घरों को चले जाएँ, बस पार्क की यही जो है वो अहमियत रह गई है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है यहाँ पर करने के लिए, देखने के लिए। या फिर कुछ लोग, मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, वो देखिए ये बच्चे यहाँ पर बैठे हुए सिगरेट पी रहे हैं, जो कि कॉलेज से फुट्टा मार गया है। इनसे बोला मैंने व्यूज़ दे दो, तो कहते हैं कि हमने व्यूज़ नहीं देने, हमें कैमरे में मत लीजिए। सो गलत काम करोगे तो फिर गलती का अंजाम जो होता है ना, वो अच्छा नहीं होता बाजूकात। हेलो फ्रॉम यूनिवर्सिटी। मैं काफ़ी अर्से से व्लॉग जो है वो नहीं कर रही थी, मैं असल में कुछ भी शूट वगैरह करना ही नहीं चाह रही थी और मेरा दिल भी नहीं था कि मैं व्लॉगिंग वगैरह करूं। लेकिन आज मैं थोड़ा बाहर गई हुई थी विज़िट करने के लिए, कुछ शूटिंग के लिए, कुछ रिकॉर्डिंग के लिए, तो फिर ही डिसाइड किया कि चलो मैं थोड़ा सा अपना व्लॉग भी कर लेती हूँ, आप लोगों को भी साथ साथ में अपने मुल्तान शहर के जो हैं पार्क वगैरह वो विज़िट करा देती हूँ, दिखा देती हूँ। अदरवाइज़ मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि मैं यूनिवर्सिटी से व्लॉगिंग करूँ, तो व्लॉग कैंड नहीं किया था। दो पार्क ही घूम पाई, तीसरे में जाने की इजाज़त नहीं मिली। परमिशन ले ली है, वो नेक्स्ट में जाऊँगी जब, तो फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। अच्छा पार्क है वो भी, बहुत मज़े वाला पार्क है। अभी जिन पार्क्स में मैं गई थी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं थी, जैसे कि वाटर स्पोर्ट्स होते हैं वो नहीं हो रहे थे और पानी था नहीं यहाँ पर बेसिकली, ज़्यादा कुछ चीज़ें थी नहीं, लेकिन फिर भी वो पार्क कहने में तो अच्छा आ रहा है, सुनने में भी आ रहा है। झील मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखी है, ड्राई नहीं है, उसमें पानी है। और चलेंगे नेक्स्ट शो, फिर आप लोगों को उसके साथ में विजिट भी कराएंगे और देखेंगे भी। वेलकम एवरी वन एंड वेलकम अगेन। सो इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ अस्करी पार्क में, चमनजार में, चमनजार अस्करी पार्क मुल्तान। सो ये पीछे आप लोग मेरे झील देख रहे हैं, मैंने कितने सारे आपको पार्क विजिट कराए, उनमें से कहीं से भी ये वाले मनाजिर नज़र आ रहे थे नहीं ना। अच्छा यहाँ पे एक ज़िपलाइन भी है बड़े मज़े की, तो अगर मुझे वो फुटेज मिला ना तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरह से जो गर्ल्स हैं उसके ऊपर लटक के आ हा हा मज़े इन्जॉय कर रही हैं यार, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और आज मैं अस्करी पार्क में आई हुई, सॉरी अस्करी पार्क क्यों निकल रहा है मेरे मुँह से, चमनजार मुल्तान में आई हुई हूँ मैं। जनाब ये देख सकते हैं आप लोग मेरे पीछे, क्या ज़बरदस्त किस्म के झूले लगे हुए हैं। अगर किसी ने भी इंजॉय करना है तो चमनजार पार्क मुल्तान में लाजमी आए आप लोग भाई साहब। और ये ड्रैगन, ये मोस्ट डेंजरस राइड है, मैंने कभी भी कभी एक दो दफ़ा बैठी भी होंगी तो बस फिर मैंने थ्रॉप ही किया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ मेरा। अलबत्ता मेरा ये वाला व्लॉग आज तक का यहीं तक है, फिर आगे देखते हैं मुलाकात होती है नहीं होती है। सो
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।